फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक ये लकड़ी वाला बोर्ड है जो कि पावर बोर्ड है, जिसमें कि एक स्विच और एक सॉकेट लगा हुआ है। ये स्विच और ये के सॉकेट, तो इसकी वायरिंग कैसे होती है वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले से ही करके रखी है, तो मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सी वीडियो ऐसे अपलोड की जो कि मैंने पूरी जो है वायरिंग करके आपको पूरा बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो आप देख पा रहे हैं ये एक पावर बोर्ड है, जिसमें कि देखिए यहाँ से इनपुट फेस आया जो कि स्विच पे गया, और स्विच से जो फेस निकलेगा वो यहाँ पे एल लिखा लाइन मतलब सॉकेट के फेस में जाएगा और न्यूट्रल ये केवल सॉकेट में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल वायरिंग है। सबसे पहले आपको एक चार अंगुल का वायर का टुकड़ा लेना है, जो कि आपको इस लाइन वाले सॉकेट के वायर को एक स्विच में कनेक्ट कर देना है, और एक स्विच का टर्मिनल बचेगा और एक इस सॉकेट का। तो इसमें आपको न्यूट्रल दे देना है और इसमें आपको फेस दे देना है स्विच वाले में। ये अर्थ का है, अगर आप अर्थ का कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें आप अर्थ का कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से थी सिंपल वायरिंग, तो बस आप एक मिनट में कर सकते हैं बोर्ड की वायरिंग। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।